पेपर आज जीएस सर था, कैसा क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा था, लेंदी था थोड़ा, बाकी मल्टीपल डायमेंशन कवर थे तो ठीक ही था, टाइमली कंप्लीट करना। क्वेश्चन की बात करें पर क्वेश्चन कितना टाइम लेके चलते हैं आप या मैनेज करते हैं कि इतने टाइम में इस क्वेश्चन को कवर करना है? पेपर का जो लेवल आया था पेपर का वो कन्वेंशनल था कहीं तक, लेकिन वो एप्लीकेशन पे पूछ रहा था, वो बहुत पूछ रहे कि सरकार क्या कर रही है। और अभी मैं स्टेट सर्विसेज में सिलेक्टेड हूँ, जो भी अपनी प्रिपरेशन है वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रखे और एनालिटिकल रखे, बिकॉज जो लेवल ऑफ यूपीएससी के पेपर्स आ रहे हैं वो काफी एनालिटिकल आ रहे हैं और आपकी समझ पर जोर दे रहे हैं। कैसा क्या आपका पेपर? बढ़िया ही रहा। बढ़िया रहा। हाँ, आप भी सिलेक्टेड है? हाँ। अच्छा, किस पोस्ट पे सर? पहला ही मेंस है और पहला अटेम्प्ट? नहीं, मेरा अटेम्प्ट बहुत सारे हो चुके, पूछूंगा। ठीक है। पेन रुकता है आपका बीच में? पेन तब रुकता है जब थॉट्स खत्म हो जाते हैं किसी आंसर में, और जब पेन रुकने लग जाए ना तो। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के अभी मेंस का एग्जाम चल रहा है, आज जीएस का थर्ड पेपर है। हम आए हैं जिलों के नगरी भोपाल में, जहां पर अभी सेंटर पर कुछ ही देर में एस्पिरेंट आने वाले हैं। उनसे चर्चा करेंगे पेपर के बारे में, ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, कैसे क्या उन्होंने तैयारी की, कैसा क्या उनका पेपर रहा, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से चेकआउट करिए और जुड़ जाइए, क्योंकि जो पिछले साल के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी कॉपी नोट्स वगैरह हमने चैनल पर डाल रखे हैं, और आप वहां से विजिट जरूर करिए, क्योंकि आपको आइडिया लगता है कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। चलिए, एस्पिरेंट आ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं कैसा क्या उनका पेपर रहा। आपका शुभ नाम? शांतनु दुबे। ओके, कहाँ से है? जबलपुर से। ओके, पेपर आज जीएस सर था, कैसा क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा था, लेंदी था थोड़ा, बाकी मल्टीपल डायमेंशन कवर थे तो ठीक ही था, टाइमली कंप्लीट करना। ओके, टाइमिंग का कुछ इशू देखने को मिला, कम पड़ा क्या? टाइमिंग का इशू है थोड़ा, क्योंकि काफ़ी लेंदी थे, खासकर 15 मार्क क्वेश्चंस तो। ओके, साइंस एंड टेक में कौन सा पोर्शन ऐसा था जो आपसे ना बना हो या टफ पूछा गया, लेंदी पूछा गया? टफ तो बेसिकली सब आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है, सो मुझे ऐसा लगा था जो थोड़े क्वेश्चन आए थे मेनली सिक्योरिटीज रिलेटेड। ओके, वो मुझे थोड़ा टफ लगे थे, साइंस मेरा बैकग्राउंड है तो साइंस उतना टफ नहीं लगा। एनवायरनमेंट वगैरह से कैसे क्वेश्चन थे? एनवायरनमेंट में जो क्लाइमेट चेंज और फंक्शनिंग से रिलेटेड है वो वाले क्वेश्चन थे। ओके, जिसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट से बात करते हैं, जैसे क्या प्रश्न थे, क्या टफ थे या इजी थे? डिजास्टर मैनेजमेंट से थे 10 और 20 मार्क, 15 मार्क में अराउंड 2-2 क्वेश्चंस थे, तो अराउंड 3-4 क्वेश्चंस थे और वो मॉडरेट लेवल था उनका। ओके, अगर क्वेश्चन की बात करें पर क्वेश्चन कितना टाइम अराउंड, अगर आइडियल टाइम देखा जाए तो 10 मार्क्स के लिए अराउंड 7 मिनट्स एंड 15 मार्क्स के लिए अराउंड 10 मिनट्स रखना होगा, बट थोड़ा आपकी कम्फर्ट के हिसाब से ऊपर नीचे उस पर होता है। आज के पेपर में क्वेश्चन छूटे या फिर सारे हो गए थे? About to complete हुआ है, exact नहीं है। आपका मीडियम क्या है? So, English. English medium. Okay. Attempt कौन सा आपका? Fourth. Fourth attempt है. Mains वगैरह interview वगैरह हुए अभी? मैं state में interview दिया हूँ और अभी प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ। Okay. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं इंदौर से आया हूँ भोपाल इंटरव्यू के लिए आप लोगों के लिए, तो इतना तो बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर दो, कम से कम देख के तो मत जाओ। आपका शुभ नाम? जतिन लाहौरिया। कहाँ से है? मैं जबलपुर से। ओके, कैसा क्या रहा पेपर आज? पेपर का जो लेवल आया था पेपर का वो कन्वेंशनल था कहीं तक, लेकिन वो एप्लीकेशन पे पूछ रहा था, फॉर एग्जांपल कि आप कितना पढ़ रहे हो और उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल एस्ट्रॉइड बहुत सिंपल है, ये आप पढ़ते हो, बस जनरली पढ़ते हो, बट वो पूछा कि सरकारें क्या कर रही है, गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या ले रहे हैं, तो ये जनरली आपको ऐसा नहीं है कि आप अप्लाइड कर सकते हो, बट आपको सोचना पड़ रहा है। और फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर स्ट्रेसिस पे बात आई, इंडिया चाइना बॉर्डर सिक्योरिटी पे बात की, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, तो ये जितने भी चीज़ें पूछ रहे हैं वो अप्लाइड पूछ रहे हैं ज़्यादातर। और फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑन रिवर्स, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑन रिवर्स ऐसी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, बट उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, वो देख रहे हैं कि आप कितने भी इशूज़ हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के, इकोनॉमी के, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो सरकार वो बहुत पूछ रही है कि सरकार क्या कर रही है, मतलब ये पेपर ऐसा था कि सरकार रियली क्या कर रही है। और तो वो ऐसा आपको, क्योंकि आईएएस ऑफिसर अगर चुन रहे हैं वो लोग, तो देखते हैं कि आप कितना थिंक कर पा रहे हो। थोड़ा सी तरह लेवल क्या रखना चाहेंगे आप पेपर का, कैसा है पिछली बार की कंपेयर में? पिछली बार के कंपेयर में थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड था। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन हर क्वेश्चन में डाल रहे थे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो विद इन एक क्वेश्चन था, 3 से 4 पार्ट्स आ रहे थे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया था। आपका मीडियम क्या है?
इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम ओके। कौन सा टाइम है आपका? ये मेरा दूसरा मेंस था, मैं पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ। ओके, इंटरव्यू दे चुके हैं आप पहले? हाँ, और अभी मैं स्टेट सर्विसेज में सिलेक्टेड हूँ। ओके, किस पोस्ट पे? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ अभी। असिस्टेंट डायरेक्टर में? ओके यार, फिर तो मतलब अपना एमपीपीएससी का ही बोल रहे ना आप? एमपीपीएससी? हाँ, एमपीपीएससी से। ओके, तो उसका एक्सपीरियंस इधर कुछ काम में आया आपको? हाँ, उसका एक्सपीरियंस जरूर काम आया, बिकॉज जो स्टेट सर्विसेज में रहता है सिलेबस कहीं ना कहीं ओवरलैप रहता है। कौन सी बैच में हुआ आपका? 19 बैच में। 19 बैच तो ट्रेनिंग चल रहा होगा? नहीं, ट्रेनिंग में अभी पोस्टेड हूँ। अच्छा, पोस्टेड। ओके, बुक लिस्ट के बारे में बात करें कुछ, आप बता दें स्टैंडर्ड कि क्या फॉलो करना चाहिए, आप किस बुक को फॉलो करते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड बुक्स GS3 के लिए अगर मैं बात करूँ, आज GS3 का पेपर था। हाँ, तो NCERT एक जनरल ओवरव्यू देती है एनवायरमेंट पोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का। हाँ, ठीक है, साइंस का। हाँ, वो एक लाइक मेनू आया। ठीक है, साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी चीज होती है वो आपको करंट अफेयर्स मैगजीन से होती है मार्केट में, उसके थ्रू कवर कर सकते हैं जो जनरल करंट अफेयर्स मैगजीन होती है। नॉर्मल कितना टाइम पढ़ते हो आप यूपीएससी के लिए? अभी क्योंकि काम करना था तो काम के साथ साथ मैनेज कर रहा हूँ तो काम, लेकिन आप बैकग्राउंड जो पहले था तो 8 से 10 एवरेज आप। अगर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो स्टेट का कर सकता है? कोई स्टेट सर्विसेज में है, स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो भी यूपीएससी का कर सकता है, और यूपीएससी का जो कर रहा है वो भी स्टेट सर्विसेज के लिए कर सकता है, बशर्ते ये कि आप कितना एफर्ट दे रहे हो। हाँ, ओके। जो भी एस्पिरेंट आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन या एडवाइस आपकी तरफ से प्रिपरेशन से रिलेटेड? सजेशन ये कि आप जो भी अपनी प्रिपरेशन है वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रखें और एनालिटिकल रखें, बिकॉज जो लेवल ऑफ यूपीएससी के पेपर्स आ रहे हैं वो काफ़ी एनालिटिकल आ रहे हैं और आपकी समझ पर जोर दे रहे हैं, तो आप जितना टॉपिक्स को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा क्या आपका पेपर? बढ़िया ही रहा। बढ़िया रहा। हाँ, आप भी सिलेक्टेड है? हाँ, यही सिलेक्टेड। अच्छा, किस पोस्ट पे सर? अभी मैं हूँ कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस में। स्टेट में? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी में सिलेक्टेड। ओके, यूपीएससी में सिलेक्टेड है। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आज के पेपर का? बढ़िया था, थोड़ा लेंथी था। ओके, ओके, ठीक था। बाकी ओके, बाकी जो दो पेपर हैं उसका कैसा क्या रहा? जो दो पेपर हो चुके हैं, दो है क्या, तीन कुछ हो चुके हैं, जीएस के दो हो गए हैं ना, आज तीसरा था जीएस का। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो डिस्टिंक्शन था 1, 2, 3 में वो थोड़ा ब्रीच हो रहा है, 2 में 3 के आ रहे हैं, पेपर 1 में 2 के पूछे जा रहे हैं। ओके, वो थोड़ा वैसा डिफिकल्ट, ट्रिकी है थोड़ा। कौन सा टाइम है आपका सर? मेरा फिफ्थ है। फिफ्थ है। मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। बाकी में क्या रहा सर? बाकी तीन में मैंने इंटरव्यू दिया है। ओके, एक में सिलेक्शन हो गया था पहले वाले में। ओके, अभी बाकी दो बार से नहीं हुआ। काफी कुछ एक्सपीरियंस है आपको, तो थोड़ा सा बताइए ना, मतलब क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी, कैसे तैयारी कैसे की आपने, कोचिंग वगैरह किया था, सेल्फ किया था? बिल्कुल, चलेंगे ना साथ साथ में चलेंगे। रुकिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। आवाज आ। आपका नाम क्या? उमेश लबाना। ओके, कैसा क्या रहा पेपर? अच्छा था पेपर, थोड़ा लेंथी था, लेकिन लेंथी था। हाँ, क्योंकि जैसे 10 मार्कर्स में आप देखोगे 3 से 4 पार्ट पूछ रहे थे। जैसे क्वेश्चन आया था कि जो रोड्स पे जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है टोल टैक्स के लिए, अब उसमें ये भी पूछा कि उसका डीमेरिट मेरिट बताओ, उसके बाद में नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है उसके भी मेरिट डीमेरिट बताओ। okay. ये 4-4 सेक्शन हो जाते हैं क्वेश्चन में, और पेज 2 रहते हैं, किस तरीके से पूरा लेंथी भी रहता है। कैसे बाकी पेपर कैसे रहे आपके? बाकी ठीक रहे। पिछली बार का मेंस वगैरह दिया था आपने? नहीं, मेरा ये फर्स्ट मेंस। पहला ही मेंस है? और पहले अटेम्प्ट? नहीं, मेरा अटेम्प्ट बहुत सारे हो चुके, पूछूंगा। ठीक है, बढ़िया। तो आंसर राइटिंग के बारे में बताओ ना, आपने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे किया था? मैंने जितना मैक्सिमम हो सकते अपन मतलब लिखने की और स्पीड की सबसे ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश। आपने कैसे किया था? मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और टेस्ट सीरीज लिखे गए। लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे आपने? मैंने अराउंड जीएस के दिए 10 से 12 टेस्ट और ऑप्शनल के दिए हैं 4 से 5 टेस्ट। अच्छा, एग्जाम हॉल में जाते हैं पेपर देने, डर लगता है पहले, कैसा फील करते हैं? नहीं, एक्चुअली ना इस चीज़ का टाइम ही नहीं होता है। जैसे पेपर आता है ना तो तुम्हारे पास में एक ही रहती है कि इस पेपर को सोल्व करना है, और जब एक बार तुम इंगेज हो जाते हो ना तो फिर ये सारे थॉट्स और ये सब चीज़ें नहीं आते, फिर तुम इतने इंगेज रहते हो कि तुम्हें कुछ और सोचने का टाइम नहीं रहता। पेन रुकता है आपका बीच में? पेन तब रुकता है जब थॉट्स खत्म हो जाते किसी आंसर में, और जब पेन रुकने लग जाए ना तो अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, क्योंकि पेन रुकने का यदि टाइम नहीं है तो तुम्हारे पास में पेपर छूटेगा फिर तुम्हारा। बैक टू बैक आपके पेपर है, अभी 2 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद वापिस आपकी एंट्री है। हाथ दर्द नहीं करता लगातार? 3 घंटे लिखना करता है ये, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये होने लगता है, ये सब चीजें लगातार लिखते ना तो दर्द करने लगता है। ओके, प्रिपरेशन आपने कोचिंग वगैरह से किया था? हाँ, राइट। मीडियम क्या आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम यार, मैक्सिमम अभी तक मुझे मिल रहे हैं इंग्लिश वाले मिल रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले हो सकता है थोड़ा प्रीलिम्स निकालने के लिए चैलेंजिंग होता होगा। ओके, मैं भी सीसेट की वजह से
ओके यस। अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो क्या कोचिंग जरूरी है यूपीएससी के लिए? आई डोंट थिंक सो। अभी योगेश ने दिया ना, उसने कोचिंग नहीं किया। अच्छा, जो सिलेक्टेड अभी जो सिलेक्टेड में जो असिस्टेंट अभी स्टेट में सेंट्रल में कुछ नहीं पढ़ो, अच्छे से पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। जिस साल देना हो उस साल करंट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखो। मेरा मानना है जब जब अपने को देना हो ना, उससे एक दो साल पहले तक बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। और जिस साल देना हो उस दिन उस साल करंट और ये सब चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली लेके चलो। इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए पूरे सारे सब्जेक्ट। करंट अफेयर को भी तैयार किया होगा ना आपने, कैसे करते थे? मैं करंट अफेयर के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए तो शून्य की एक मैगजीन आती है वो फॉलो की थी, और मेंस के लिए दीपिन सर के नोट्स थे, दीपिन सर के लेक्चर्स थे वो थे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के लिए लोग बोलते हैं कि आप करंट की चीज़ें गूगल से सर्च करके पढ़ो, कैसे सर्च करते हैं? आप हाँ चैट जीपीटी से वैसे सर्च कर सकते हो गूगल से। वैसे तो ना मेरा ये मानना है कि ना आप यदि कोचिंग का मटेरियल फॉलो करो ना तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तुम्हारा डिस्टिंक्शन अलग होता है कोचिंग के मटेरियल से ये निकालने में कि करंट अफेयर कौन से इम्पोर्टेंट है। कोचिंग के मटेरियल क्रिस्प होते हैं और वो तुम्हें एकदम सिलेबस वाइज डिकोड करके देते हैं कि इस वाले सेक्शन से कौन सा चीज़ अभी करंट में है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम लूँगा, नेक्स्ट पेपर है आपका। बेस्ट विशेस, आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश करूंगा मैं कि जो भी नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसमें आपके क्वेश्चन को कवर करूंगा और पूछूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं इंदौर से आया हूं भोपाल इंटरव्यू के लिए आप लोगों के लिए, तो इतना तो बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर दो, कम से कम देख के तो मत जाओ, ठीक है? तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।